आप देखते हैं यंगस्टर्स नू आजकल देख रहे हैं अभी हार्ट अटैक की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यंग एज दे विच काफ़ी की कारण की लग रहे हैं जिहड़ा अजकल दा लाइफस्टाइल जिह जी साडी जनरेशन जिहड़े यूथ आ स्पैशली वो अडॉप्ट कर रहे आ। एक तुसीं देखिया होगा इंस्टा ते रीलां स्मोक करदे दियां जां हुक्का दियां छल्ले बनाउंदे दियां इन्हां ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया इस चीज़ नू भी जिहड़ियां आ चीज़ां ने नशे वाली चीज़ां ने उहदे वल वध रुझान हो गया मुंडियां दा भी ते कुड़ियां दा भी। ये करके कला हार्ट अटैक नहीं डिप्रैशन वर्गियां बीमारियां तकदी आप सुना सी 20 तो 25 साल के बच्चे जो डिप्रैशन जाएंगे। तुसीं हुण जाके किसी भी न्यूरो दे या साइकैट्रिक ते जाके बैठ जिओ देखिओ सब तो जिहड़ी उत्थे लंबी लाइन आ वो इन्हां बच्चियां दी ही होगी। सो जिहड़ा अज दा लाइफस्टाइल आ ये सब तो वड्डा कारण आ कि जिम का वर्कआउट जो अपना सैशन फिनिश करके एक यंगस्टर बैठता पूड़ियां ते वो भी अटैक खा के डिग जाता है जो बड़ी एक दुखदाई घटना सीगी। उस दे उत्ते की विचार ते इत्थे मैं उही कहूँगा नीम हकीम खतरा है जान। हमेशा तुसीं उस कोच दे अंडर ट्रेनिंग लो जिन्हों पता वा अजकल हो की रहा वा टशन। फिर मैं कहूँगा टशन बच्चे जिम च जाते हैं अपने समर्था नालों वध वेट चकना। जदों तुसीं अपनी समर्था नालों वध वेट चकदे हो तां वो भी तुहानूं किसी ना किसी पासे नुकसान पहुँचा दिंदा वा क्योंकि ये रातों रात जिहड़ा शरीर नहीं बनता जिहड़ा मेहनत 5-10 साल ला के बननी करके तो शरीर बनना वा। मुंडे कहें जो कुड़ियाँ कहें इस महीने 2 महीने असं जादू नाल ही कुछ ना कुछ कर लीए। लाइफ स्टाइल का ही चक्कर है कुछ होर भी डोजेज वगैरह की आप गल करिए वो भी लैंदे हो सकते हैं। कई तरह दीयां दवाइयां जिहड़े मार्केट च मैं नाम नहीं लूँगा उन्हां दा गलत यूज़ करते हैं। फिर स्टिंग जिहड़े एनर्जी ड्रिंक आ रेडबुल आ इन्हां दी ओवरडोज कर करके कई बच्चे जिहड़े आ वो एक्सरसाइज लाउंदे एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करदे कहंदे भी सानू इह पंप बड़ा मिलदा वा सानू हीमे नाल ही जिहड़ी सिचुएशन मिल जांदी आ। किन्ने क बच्चे आ जिहड़े बाहर आके सूरज नूं देखदे आ। बच्चियां दी तां गल छड्डो किन्ने क अपनी एज दे बंदे जां अपने तो सियाणे जिहड़े सूरज दी धुप्प लैंदे आ। जद सूरज की धुप्प ही नहीं मिलनी तुहानूं तुहाडीआं हड्डियां नहीं विकसित होणीआं। तुसीं नैचुरल तो भजदे जा रहे हो तुसीं आर्टिफिशियल वल वधावा जाओगे तो कुदरत ने अपना जिहड़ा कम आ जिहड़ा उहदा कहर आ उह किसी ना किसी पासे दिखाउणा ही दिखाउणा वा। बॉडी हाइड्रेट रखोगे तुहाडी स्किन भी वधिया होऊगी तुहाडी एनर्जी लैवल भी वधिया होऊगा तुहाडे माइक्रो न्यूट्रिएंट जिन्ने भी बॉडी दे आ उह सब अब्जॉर्ब करूगी बॉडी ते एज वैल एज तुहाडा खून पतला करू। पानी खून नूं पतला करन 'ਚ बहुत ज़्यादा मदद करदा वा। हैल्थ फिटनेस अच्छा फिजीक जे आप गल करिए तो अज की तरीक के हरेक नौजवान का सुपना है। तो जे होर भी जे आप गल करिए अलग अलग एज ग्रुप्स की भी हरेक बंदा यही चाहता है कि मैं एक फिट तो अच्छी लाइफ जीवां। बट उत्थे ही जे असीं अज गल करिए फिटनेस की हार्ट रेट दी फिर कोलैसट्रोल की होर बहुत लैवल्स ने। साडे नाल एक्सपर्ट भाजी मौजूद ने अप्पू जी उन्हां नाल असीं होर जानकारी लैके गलबात कर लैंदे आं की ने विचार उन्हां दे। स्वागत सत श्री अकाल जी। आप थोड़े तो थोड़ी जी गलबात करांगे जानकारी लवांगे थोड़ी जी कि जिवें आपां देखदे आं यंगस्टर्स नूं अजकल देख रहे हैं भी हार्ट अटैक की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यंग एज दे विच काफ़ी की कारण की लग रहे ने भाजी। कारण कई इहदे हो सकदे आ। सो जो मोस्टली कारण निकल के आउंदे आ ओह हैगा लाइफ स्टाइल जिहड़ा अजकल दा लाइफस्टाइल जिह जी साडी जनरेशन जिहड़े यूथ आ स्पैशली वो अडॉप्ट कर रहे आ। एक तुसीं देखिया होगा इंस्टा ते रीलां स्मोक करदे दियां जां हुक्का दियां छल्ले बनाउंदे दियां इन्हां ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया इस चीज़ नूं भी जिहड़ियां आ चीज़ां ने नशे वाली चीज़ां ने उहदे वल वध रुझान हो गया मुंडियां दा भी ते कुड़ियां दा भी। तां किसे ना किते जाके इन्हां चीज़ां दा जिहड़ा नुकसान आ ओह तां सेहत नूं होणी आ। इहदे करके कला हार्ट अटैक नहीं डिप्रैशन वर्गियां बीमारियां तकदी आप सुना सी 20 तो 25 साल के बच्चे जो डिप्रैशन जाएंगे। तुसीं हुण जाके किसी भी न्यूरो दे या साइकैट्रिक ते जाके बैठ जिओ देखिओ सब तो जिहड़ी उत्थे लंबी लाइन आ वो इन्हां बच्चियां दी ही होगी। सो जिहड़ा अज दा लाइफस्टाइल आ ये सब तो वड्डा कारण आ। बट उत्थे एक कुछ वायरल क्लिप्स भी हो रही ने जिवें असीं एक पिछे देख रहे थे कि जिम का वर्कआउट जो अपना सैशन फिनिश करके एक यंगस्टर बैठता पूड़ियां ते वो भी अटैक खा के डिग जाता है जो बड़ी एक दुखदाई घटना सीगी। उस दे उत्ते की विचार। बड़ी माड़ी घटना सीगी जी। तो इत्थे मैं उही कहूँगा नीम हकीम खतरा है जान। हमेशा तुसीं उस कोच दे अंडर ट्रेनिंग लो जिन्हों पता वा अजकल हो की रहा वा टशन। फिर मैं कहूँगा टशन बच्चे जिम च जाते हैं अपने समर्था नालों वध वेट चकना। जदों तुसीं अपनी समर्था नालों वध वेट चकदे हो तां वो भी तुहानूं किसी ना किसी पासे नुकसान पहुँचा दिंदा वा क्योंकि ये रातों रात जिहड़ा शरीर नहीं बनता जिहड़ा मेहनत 5-10 साल ला के बननी करके तो शरीर बनना वा। मुंडे कहें जो कुड़ियाँ कहें इस महीने 2 महीने असं जादू नाल ही कुछ ना कुछ कर लीए। सो ये जादू कोई नहीं है। तुसीं अपनी बॉडी नूं समर्था तो वध दा लोड दोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। बाकी गल रही अजकल फिर मैं उही कहूँगा शॉर्ट जिहड़े इन्हां ने शॉर्टकट अपनाने शुरू किए हुए आ। कई तरह दीयां दवाइयां जिहड़े मार्केट च मैं नाम नहीं लूँगा उन्हां दा गलत यूज़ करते हैं। फिर ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਆ ਰੈੱਡ ਬੁਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਪੰਪ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 120 ਤੇ ਚਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 150 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਟ ਆ, ਵੇਟ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ क्योंकि इन्हें मजाक नहीं करना, इन्हें सट ही मारनी है जो मारनी है। सो तरतीब वाइज एक स्कैजूल वाइज चंगे कोच की सलाह नाल ही तुहानू एक्सरसाइज करनी चाहिए। असी किते ना किते फिटनेस दे भी जिहड़े फ्रीक हुंदे ने उन्हां दी भी जे असी गल करिए, पिछे ज एक एक्टर भी जो है असी देखा बिग बॉस विनर भी रहे ने, वो फिजीक भी काफ़ी अच्छा सी उन्हां नू भी इसी प्रॉब्लम। सो किते ना किते लाइफ स्टाइल का ही चक्कर है या कुछ होर भी डोजेज वगैरह की आपां गल करिए वो भी लैंदे हो सकदे ने। भाई ये लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं, किस्मत भी कह सकते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि किसी के अंदर वड़ के कुछ नहीं देखा भी की चलता की नहीं चलता। तो अजर अमर तो कोई भी नहीं है, पर ये कारण मैं सूँ उ दस रहा वा भी जो लाइफ स्टाइल आ सब तो बड़ा कारण आ, तुहाडा खाण पीण ते तुहाडा जिहड़ा रहना सहना तुसीं किवें रहिंदे हो ते इच्छावां। अज असीं अपणियां इच्छावां नूं इन्ना क वधाता भी आपां नूं रात दी जिहड़ी नींद आ 2 या 3 घंटे रह गई। मैनूं नहीं लगदा कोई बंदा डीप स्लीप करदा होऊगा, बड़ा फ्री होकर सौंदा हो। हरेक नूं सिर्फ यही रहिंदा वा भी मैं सवेरे उठ के इन्ने पैसे इत्थों इकट्ठे करने, आह चीज़ लैनी, ओह करना। 24 घंटे कदों निकलदा पता नहीं लगदा। फिर अज दी डेट 'च मैं तुहाडे माध्यम नाल इह वी दसणा चाहूँगा, इनडोर जिहड़ियां गेमां ने उन्हां नूं ज़्यादा प्रमोट करता। ईवन अपने बच्चों के हथ 'च भी हुण पढ़ाई दे नाम ते फोन आ गए, हुण पता नहीं ओह फोन ते पढ़दे आ, वीडियो गेमां खेडदे आ, की करदे आ। ईवन मैं अपने बच्चों की भी गल करूँगा, किन्ने क बच्चे आ जिहड़े बाहर आके सूरज नूं देखदे आ। बच्चों की तो गल छड्डो, किन्ने क अपनी एज दे बंदे जां अपने तो सियाणे जिहड़े सूरज की धुप्प लैंदे आ। जद सूरज की धुप्प ही नहीं मिलनी, तुहानूं तुहाडीਆਂ हड्डियां नहीं विकसित होणीਆਂ, तुसीं नैचुरल तो भजदे जा रहे हो, तुसीं आर्टिफिशियल वल वधावा जाओगे। तो कुदरत तक कुदरत ने अपना जिहड़ा कम आ, जिहड़ा ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ नींद बारे भी गल की, एक गुड स्लीप साउंड स्लीप की आप गल करिए 8 घंटे हरेक तो आप सुनते आ रहे हैं। तो वाटर का भी लैवल का फर्क पै रहा, आप मौसम भी काफ़ी चेंजेस देख रहे आ रहे हैं। स्लीप वाटर का की इन्हों का साइकिल का इन्हों की चक्कर है? सब तो ज़्यादा जरूरी है जी। पैसा भी ताइयों कमाया जा सकता वा जे बंदा तंदुरुस्त आ, तो तंदुरुस्ती लई तुहाडी बॉडी नूं रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। आपां एक मोबाइल नूं 8 घंटे चला के दोबारा फिर उहनूं पिन ते स्टार्ट करते हैं ना, लाने ना उहनूं चार्जिंग ते, जब तक पूरा चार्ज नहीं होता आप नहीं चकते। सो बॉडी भी सेम आ, बॉडी भी चार्जिंग मंगती। चार्जिंग की आ नींद। जे तुसी अपनी बॉडी में फुली चार्ज करोगे लंबा चलू वधिया चलूगी। सो नींद हर एक बंदे लिए जरूरी आ। कुछ नहीं हुंदा, काम सब इत्थे ही आ, इत्थे ही सब कुछ हो जाना वा, कोई नहीं भज्या चलिया। सिर्फ अपने आप का ध्यान रखो। दूजी गल रही पानी की, फिर उही गल मैं दोहराऊँगा भी कामां 'च इन्ने बिजी हो गए लोग पानी पीना भी भुल जाते हैं। जे किसी नूं पुछिए ना पानी भुल गए सी, पानी कोई भुलण वाली चीज़ आ? पानी तुहाडी एक बेसिक नीड आ, हवा ते पानी। दिन 'च तुहानू पानी पीना बहुत जरूरी आ, ठीक है ना। अपने 10 किलो मगर जे तुसी 1 लीटर पानी नहीं पींदे तां तुसी अपनी बॉडी नूं खराब कर रहे हो। सपोज करो तुहाडा भार 60 किलो आ, तां तुहानू डे दा 6 लीटर पानी घट्टो घट कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। फिर ये पानी पीण दा भी तरीका वा। तुसी ये नहीं कहा भी 6 लीटर पानी यार क्या सीगा आपू ने जां फलाणे बंदे ने क्या सीगा, मैं 6 लीटर पानी पीना, 2 लीटर की बोतल भरी एक बारी पी गए, फिर शामी 2 लीटर की बोतल भरी एक बारी पी गए। ये ऑलसो बैड आ, तुहाडी किडनियां ते यह इफेक्ट पाऊगा, किडनियां ते प्रेशर पाऊगा। सो सहंदा सहंदा काम करना, पूरे दिन च बॉडी नूं आपां हाइड्रेट रखना वा। बॉडी हाइड्रेट रखोगे तुहाडी स्किन भी वधिया होऊगी, तुहाडी एनर्जी लैवल भी वधिया होऊगा, तुहाडे माइक्रो न्यूट्रिएंट जिन्ने भी बॉडी दे आ सब अब्जॉर्ब करूगी बॉडी। ते एज वैल एज तुहाडा खून पतला करू। पानी खून नूं पतला करन च बहुत ज़्यादा मदद करदा वा। सो जिहड़ियां हार्ट अटैक वर्गियां डिजीज़ आ जां यूरिक एसिड आ जां क्रिएटिनाइन ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, कई तरह ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ बॉडी ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ पानी पीने के ही काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती। तो चलो आप पानी की भी, स्लीप की भी, होर भी सारिया गल कर लिया ने। आपां तुहाडे नाल भी गलबात करके बहुत अच्छा लग्या। जिवें हुण कुछ यंगस्टर ने जिहड़े साडा चैनल देख रहे हैं, उन्हां नूं की मैसेज दऊंगे? मैं तो उन्हां नूं यही कहूँगा, किसी भी वहमां भरमां च ना पाओ। बॉडी रातों रात नहीं बनती, कोई यह जी चीज़ नहीं है, कोई दुनिया का यह जहा जादू नहीं गा जिहड़ा तुसीं रात नूं सोवोगे तो सवेरे आर्नोल्ड श्वाज़नेगर बन के उठोगे। ये चीज़ जिहड़ी आ मेहनत मंगदी आ। मेहनत ये नहीं भी हफ्ते की, महीने की, साल बद्धी मेहनत इत्थे लगदी है। 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल बंदिआं ने इहदे विच लाए हुंदे आ, तां करके आ। सो शॉर्टकट वल ना जाओ, सप्लीमेंटेशन घट तो घट रखो, कोई जरूरी नहीं है। डाइट नैचुरल, क्लीन तो क्वालिटी वाली डाइट जी घर की खुराक आ खाओ। ये कई बंदे कहते घ्यो छड़ दो जी कर दो, सब खाओ लेकिन प्रपोर्शन च खाओ। फिर वर्जिश जरूर करो, जिम ज्वाइन जरूर करो, सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत पाओ। लेट राइजिंग कभी भी बंदा कामयाब नहीं होंदा, ना ही अपनी कैरीयर च ते ना ही अपनी सेहत पक्षों। रात को टाइम ना सोवो, मील जिहड़े आ दिन 6 मील लो, प्रॉपर टाइम ते मील लो। मील की भी तुसीं दसता जिवें हुण अलग अलग वेट्स दी, वो तो अलग अलग कैटेगरी हुंदी होगी मील की भी, या फिर बंदे खा सकते हैं कुछ भी, जिवें कई मिठा छड्ड दिंदे ने बिल्कुल ही। आपां देखदे हां बच्चे जिवें स्कूल असैंबली दे विच गिर जांदे ने सवेरे सवेरे, कई असैंबलियां असीं नोटिस करदे हां। उहनां दे भी की कारण ने, कोई पानी दा डाइट दा ही कारण हुंदा होएगा उहदा भी। सर कालियाँ बसां नूं जिहड़े बच्चों को चक्कर वाली बसां बाहर खड़ियां होंदियां, मामा नूं इह हुंदा भी बच्चे नूं फटाफट भेजिए, उहदे भुक्खे पेट बच्चे नूं भेज दिंदे आ ते बच्चा बेचारा की करूगा। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब की हुंदा, ब्रेक यूर फास्ट जिहड़ा तुसीं सारी रात दा रखिया वा। सो जिहड़ा ब्रेकफास्ट आ ना ते वो करना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट तो बिना तुसीं दिन की शुरुआत करदे तुसीं अपनी बॉडी का मैटाबॉलिज्म सारा ही खत्म कर लैंदे हो, किक स्टार्ट होंदा ही नहीं है। उठण तो अद्धे पौने घंटे के बीच बीच तुसीं कुछ ना कुछ खाओ ताकि तुहाडी जिहड़ी बॉडी है वो स्टार्ट होवे ते चले। सेम मैं जिन्नियां भी मेरियां भैणां मैनूं सुणदियां ने, बच्चों को कभी भी खाली पेट स्कूल ना भेजो, थोड़ा जल्दी उठाओ। ये नहीं कि टाइम पर उठाया फटाफट नवाया तो भेजता, वो कम नहीं करना। टाइम ना उठा के उन्होंने खवा के कुछ ना कुछ भेजो। बाकी रही गल मील की भी, हरेक भाजी जोड़ा बंदा तंदुरुस्त आ, जे तो कोई मैडिकल इशू नहीं है, डॉक्टर ने तो किसी चीज़ तो नहीं रोकया, तो तुम हर एक चीज़ खा सकते हो। फिर गल उ है भी अति किसी चीज़ नहीं करनी, हर एक चीज़ खाने वाली खाने लिए बनी है, प्रॉपर मात्रा च। थोड़े थोड़े मील जिहड़े स्मॉल स्मॉल मील आ उहदे हर 2-3 घंटे बाद खाओ, तो उहदे नाल सेहत जिहड़ी आ बनूगी, बिगड़ूगी नहीं। भाजी नाल असीं गलबात कीती ते उहनां वल्लों जो है सानूं आंसर च यही मिलिया कि किसी भी चीज़ का जो है शॉर्टकट नहीं अजमाना चाहिए, ताकि उसके जो रिजल्ट्स ने बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंदे। उत्थे जे आपां मिठे की गल करिए तां किसी भी चीज़ तो खाण तो जो तुहानूं डॉक्टर ने नहीं रोकया तो बहुता परहेज ना करो, जो है प्रॉपर प्रोपोर्शन दे विच डाइट्स लो, अपने मील्स लो, बॉडी नूं हाइड्रेट रखो, तां जो है तुसीं एक अच्छा जीवन बतीत कर सको। ऐसी होर अपडेट्स भी साडे नाल जुड़े रहो। कैमरामैन सतवंत दे नाल ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।